कि मेवात नूह में हुई हिंसा को लेकर पुलिस अब हरकत में आ गई है। जहां पुलिस वीडियो के जरिए एक एक आरोपियों की गिरफ्तारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ मामला अब रोहिंग्यों पर आ चुका है। दरअसल पुलिस प्रशासन ने दंगों की जांच को लेकर रोहिंग्याओं और अवैध घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन लेते हुए तावड़ू रोहिंग्याओं और अवैध घुसपैठियों के अवैध कब्जे पर बुलडोजर की कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक जांच में पता चला है कि ये भी हिंसा में शामिल थे। साथ ही बताया गया है कि ये लोग हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे थे। ऐसे में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 200 से ज्यादा झुग्गियों पर बुलडोजर की कार्रवाई की है। बता दें कि पुलिस की ये कार्रवाई करीब 4 घंटे तक चली है। बताया जा रहा है कि इन झुग्गियों में बांग्लादेश के काफी लोग अवैध तरीके से रह रहे थे। इनमें से कई लोग हिंसा में शामिल थे। वही आपको ये भी बता दें कि हिंसा में कार्रवाई करते हुए हरकत में आई पुलिस ने करीब 176 की गिरफ्तारी कर ली है। इसके साथ ही 5 जिलों में 93 FIR दर्ज किए गए हैं। अकेले नूह में ही करीब 46 मामले दर्ज हैं। वही पुलिस की कार्रवाई में जो सामने आया है उसके हिसाब से ये हिंसा योजनाबद्ध तरीके से की गई थी। पुलिस के सामने जो आरोपियों ने बयान दिया है उसके मुताबिक इस हिंसा को साजिश के तहत अंजाम दिया गया था। आरोपियों के मुताबिक उन्होंने भीड़ में शामिल होकर अवैध हथियारों से फायरिंग की। उन्होंने शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर हथियारों, ईंट, पत्थर, लाठी और डंडों से हमला किया था। आपको बता दें कि जिन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनकी उम्र 19 से 25 साल के बीच की है। पुलिस की पूछताछ में इन आरोपियों ने कबूल किया है कि हिंसा को अंजाम देने के बाद इन्होंने हिंसा में शामिल सारे हथियार छुपा दिए थे। साथ ही आरोपियों ने पुलिस को बताया कि हिंसा करने के बाद कई आरोपी मेवात की पहाड़ियों में राजस्थान के जयपुर, उदयपुर और यूपी के मेरठ, आगरा, अलीगढ़ में जाकर छिप गए। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि हरियाणा के मेवात नूह में 31 जुलाई को शोभा यात्रा निकाली गई थी। इस दौरान यात्रा पर पथराव किया गया था। देखते ही देखते मामला 2 समुदाय के बीच हिंसा में बदल गई। साइबर थाने पर हमला किया गया। इसके साथ ही मंदिर, मस्जिद सहित सैकड़ों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। नूह के बाद सोहना, गुरुग्राम, फरीदाबाद तक ये हिंसा फैल गई। सोहना में भी पथराव और फायरिंग की गई। वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। इस हिंसा में 2 होमगार्ड समेत 6 लोगों की मौत हो चुकी है। हिंसा के बाद से ही हरियाणा के कई जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। इसके साथ ही राजस्थान, यूपी में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है।